रोज की तरह फिर हम लोग 9:30 बजे यहां पर मिल चुके हैं जाकर के। और जैसे ही 9:30 बजा हुआ है तो मन में कई सारी ऐसी व्यथाएं होती हैं जो दिमाग में हमारे आ जाती हैं, उन सभी व्यथाओं को दूर करने के लिए आज हम यहां पर विराजमान हो गए हैं। तो जो भी लोग यहां पर हैं जल्दी जल्दी एक दूसरे को टैग करके शेयर कर दीजिएगा जिससे बाकी लोगों तक ये क्लास पहुंच जाए। जी हाँ, जल्दी जल्दी जाकर एक दूसरे को टैग कर दे जिससे बाकी लोगों तक ये क्लास पहुंच जाए। क्यों? क्योंकि जीतेंगे हम, ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। अगर आपके इरादे मजबूत हैं तो आपके पीछे बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो दिक्कतें करेंगी, लेकिन अगर इरादे आपके मजबूत हैं तो कोई माई का लाल आपको पीछे नहीं कर सकता। तो रचना जी एक बार जाकर के भैया सभी लोग को एक बार टैग कर दो, सुरेंद्र भैया जल्दी जल्दी जाकर के दूसरे को भैया एक बार टैग करके शेयर कर दो। और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने ये रहा, एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ करके इसका भैया आंसर दीजिएगा कि यहां पर क्या राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी लोग हैं जल्दी जल्दी जाकर के एक बार इस क्वेश्चन का हमें आंसर बता देंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना। देखिए एक बार बता दें, जेम्स ए गोसलिंग द्वारा कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा विकसित की गई है? तो आपको बता दिया जाए, जेम्स ए गोसलिंग ने जो है जावा जो है ये भाषा जो है विकसित की है। थोड़ा सा आपके दिमाग में आ रहा होगा सर भाषाएं जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, उसके ऊपर थोड़ा सा पर्दा हटाने का प्रयास किया जाए। इस समय लगभग 2500 प्रोग्रामिंग भाषाएं मौजूद हैं, लेकिन आपको बता दें जैसे पास्कल हो गया, बेसिक हो गया, फोर्ट्रॉन हो गया, सी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, जावा हो गया, जावा स्क्रिप्ट हो गया, पाइथन हो गया, लिस्प, और भी हमारे पास में भाषाएं इसमें मौजूद हैं। जैसे एक बात आपको बता दें, भाषाएं होती कितने प्रकार की हैं कंप्यूटर में वो पहले समझ लीजिएगा कृष्णा, है ना। जैसे आपको एक बात बता दिया है सुरेंद्र भैया, समझिएगा भाषा के मानव द्वारा समझने के स्तर या अमूर्तता के स्तर के आधार पर प्रोग्रामिंग भाषाओं को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। एक तो होती है मशीनी भाषा, यह मशीन को आसानी से समझ आती है किंतु मानव को सीधे समझना लगभग असंभव है, तो यह भाषा यूज नहीं की जाती है। असेंबली भाषा, इस असेंबली द्वारा मशीन भाषा में आसानी से बदला जा सकता है, यह मनुष्य को भी समझ में आ जाती है किंतु अलग अलग माइक्रो प्रोसेस या मृत कणियां या माइक्रो कंट्रोलर के लिए अलग अलग होती हैं, तो यह भी भाषा का ज्यादा कम लोग यूज किया करते हैं। लास्ट में बची हमारे पास में उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा, जिसको मानव बहुत अच्छी तरीके से समझ जाते हैं, यानी आप जो भाषा का यूज कर रहे हैं इस समय अपने सिस्टम पे वो कौन सी भाषा है, उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। खैर, मानव का नाइट्रोजनी अपशिष्ट है। देखो भैया, जो आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है वही क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं, तो जल्दी जल्दी जाकर के एक दूसरे को टैग करके भैया एक बार शेयर कर दो जाकर फटाफट, है ना भैया। सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं कृष्णा? चलो भैया सुरेंद्र भाई जी एक बार क्वेश्चन को टैग करके शेयर करिए। मानव का नाइट्रोजनी अपशिष्ट है, अगर मानव के नाइट्रोजनी अपशिष्ट के बारे में बात किया जाएगा तो ये क्या है भैया, यूरिया यहां पर करेक्ट आंसर आएगा। लेकिन देखिए मन में एक बात और आ रही होगी, सर यूरिया है क्या, है ना, यूरिया हमारे पास में क्या है क्या नहीं है। और यूरिया हमारे पास एक समय ऐसा था जहां पर जरूरत पड़ गई थी देश को, वो भी बताने जा रहे हैं। यूरिया या हमारे पास में कार्बामाइट एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र क्या है, NH2CO होता है। कार्बनिक रसायन के क्षेत्र में इसे कार्बामाइट भी कहा जाता है। अगर पेपर में आ जाए कार्बामाइट किसे कहा जाता है, क्या हो जाएगा, यूरिया आ जाएगा। यह एक रंगहीन, गंधहीन, सफेद, रवेदार, जहरीला ठोस पदार्थ होता है, है ना। उसके बाद आपको बता दिया जाए, यह स्तनपायी और सरीसृप प्राणियों के मूत्र में पाया जाता है, ठीक है। कृषि में नाइट्रोजन मुक्त रासायनिक खाद के रूप में इसका उपयोग होता है। अगर पेपर में आ जाए कृषि में जो यूरिया है वो कैसे यूज की जाती है, ध्यान रखिएगा नाइट्रोजन मुक्त होती है वो, नाइट्रोजन युक्त होती है, उसमें नाइट्रोजन हमारे पास में मिला हुआ रहता है। और यूरिया को सर्वप्रथम 1773 में भैया 1773 में जो है मूत्र में फ्रेंच वैज्ञानिक हिलेरी राउल ने खोजा था। यानी यूरिया जो है वॉशरूम में बाथरूम में है या नहीं, सबसे पहले किसने खोजा, फ्रेंच वैज्ञानिक थे हिलेरी राउल ने, इन्होंने खोजा था। परंतु कृत्रिम विधि से सबसे पहले यूरिया बनाने का श्रेय किसे जाता है, जर्मन वैज्ञानिक है वोहलर को जाता है। किसको जाता है, वोहलर को। थोड़ा आप समझ लीजिएगा, बड़े पैमाने पर यूरिया का उत्पादन द्रव अमोनिया तथा द्रव कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिक्रिया से होता है। यूरिया का उपयोग मिट्टी की उर्वरक शक्ति बढ़ाने में होता है। आपको एक बात बता दिया जाए, अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये बताइए, जब ग्रीन रिजोल्यूशन आया तो समय इंदिरा गांधी तत्काल प्रधानमंत्री थी हरित क्रांति के समय में, लेकिन आपको बता दें हरित क्रांति की चिंगारी जो है जवाहरलाल नेहरू के समय में भैया लग गई थी। याद आया होगा जब हमारे पास में, आपको याद होगा आई थिंक रूस में कहां पर मीटिंग थी, आई थिंक रूस में ही कहीं पर मीटिंग थी, वहां पर भारत ने जो है किसका सपोर्ट कर लिया था, रशिया का सपोर्ट किया था। अमेरिका नहीं करता, अमेरिका
अमेरिका का नहीं किया था, क्यों? क्योंकि उस समय अमेरिका जो है भारत को क्या कर रहा था भैया, PL480 के अंतर्गत क्या मौजूद प्रदान कर रहा था, गेहूं दे रहा था, एक संधि थी, उसका नाम क्या था भैया, PL480 के अंतर्गत ये जो अमेरिका था, अगर पेपर में आ जाए ये बताइएगा ग्रीन रिजोल्यूशन के पहले, अमेरिका जो है, अमेरिका किस संधि के अंतर्गत या किसके अंतर्गत भारत को अनाज दिया करता था, यानी PL480 का पूरा नाम क्या है भैया, पब्लिक लॉ 480, क्या है, पब्लिक लॉ 480, इसके अंतर्गत ये दिया करता था। लेकिन कुछ वहां पर बात हुई जिसके कारण ऐसा हमारे पास में हो गया। अब आपको बता दें किन कारणों से शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। आपने देखा होगा घर में बड़ी समस्याएं पैदा रहती हैं। आज सुन लीजिएगा, ये क्लास ऐसी है, डॉक्टर भी क्लास है भैया, डॉक्टर भी तुरंत ही पढ़ लो जाकर के, है ना भैया, है कि नहीं सोनम मैम? सुन लीजिएगा, वे खाद्य पदार्थ खाने में जिनमें प्यूरिन की मात्रा अधिक हो, जैसे कि चिकन का लीवर, ध्यान दीजिएगा, चिकन का लीवर, एक्नोवी यानी नमकीन स्वाद की छोटी मछली, उसके बाद में सार्डिन मछली, सूखे बीन्स और मटर मशरूम, ये क्या करते हैं, ये हमारे पास में ये दिक्कत करते हैं। अगले में सुन लीजिएगा, मोटापे में क्या होता है, डायबिटीज या मधुमेह, बहुत ज्यादा शराब पीना, कमजोर किडनीज जो सही मात्रा में यूरिक एसिड छानकर शरीर में नहीं निकाल पाते, वहां पर हमारे पास में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है। किडनी स्टोन में सुन लीजिएगा, जब पेशाब में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तब उसके क्रिस्टलीकरण बनने लगते हैं जो इकट्ठा होकर किडनी स्टोन या पथरी बना देते हैं। आपने देखा होगा पथरी कब बन जाती है, इसीलिए हमारे पास बॉडी में क्या हो जाती है भैया, पथरी बन जाती है। खैर, हेस्टोरिया या चूसने वाली जड़ें निम्नलिखित में से किसमें पाई जाती हैं, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ, जल्दी कमेंट करके बताओ। अरे अभी कहां भैया घुसे, अभी देखते जाओ, अभी हम आपको बता दें, कंटेंट वो देंगे जो एग्जाम के लिए एकदम सही हो, ठीक है, जल्दी कमेंट करके बता दीजिएगा आप हमारे पास में क्या हो जाएगा, जल्दी कमेंट करके बताओ। बहुत बढ़िया भैया, सी आएगा। अच्छा मेरी बात सुनिएगा, कोई देखिए क्या कह रहा है, हेस्टोरिया, होस्टोरिया या चूसने वाली जड़ें निम्नलिखित में से किसमें पाई जाती, चूसने वाली जड़ों की बात कर रहा है, यानी ऐसी जड़ें जिनको क्या किया जाए, चूस लिया जाए, वो किसमें पाई जाती है, तो आपको बता दिया जाए, ये जो आप देख रहे हैं इनकी जड़ों को चूसा जाता है, और इसका क्या है, इसका मतलब क्या है, कुसकटा, कुसकटा एक ऐसा होता है जिसकी जड़ों को क्या किया जाता है, चूस लिया जाता है। अब आपको एक बात और बता दिया जाए, चूसने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं, हॉस्टोरिया कहलाती हैं भैया, क्या कहलाती हैं, हॉस्टोरिया कहलाती हैं, ठीक है, चलिए भाई सब आगे आ जाइएगा। अब बताइए इक्वास्मिस किसका वैज्ञानिक नाम है, अगर इनको पहचान पाओगे आराम से बता दोगे, जल्दी जल्दी कॉमेंट करके बताओ, इक्वास्मिस हमारे पास में निम्न में से किसका नाम है, जल्दी जल्दी कॉमेंट करके बताओ भाई, जल्दी जल्दी कॉमेंट करके बताओ, इनमें से किसका नाम है, इक्वास्मिस, जल्दी बताइएगा। आप देख करके आपको लग रहा होगा ये क्या है भैया, गधे हैं, गधे का नाम क्या है भैया, इक्वास्मिस है, यानी आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। अब आपके मन में आ रहा होगा, अच्छा ये बताइए सबसे ज्यादा गधे पूरे वर्ल्ड में कहां पर पाए जाते हैं, वो भी हम आपको ऑप्शन दिखाने जा रहे हैं, देखिए मन में आपके डाउट ना रहे वो भी सुन लीजिएगा। अब आप बताइए विश्व में सबसे ज्यादा गधे कहां पाए जाते हैं, पाकिस्तान में पाए जाते हैं या चीन में पाए जाते हैं, भारत में या इथोपिया में पाए जाते हैं, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ भैया, सबसे ज्यादा गधे निम्न में से किस ऑप्शन में पाए जाते हैं, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। अच्छा पाकिस्तान में पाए जाते हैं, हमें बता था बेटा तुम पाकिस्तान ही नाम दोगे, लेकिन पाकिस्तान नाम नहीं हो जाएगा यहां पर, सुन लीजिएगा, यहां पर पाकिस्तान गलत आंसर हो जाएगा भैया, पाकिस्तान नहीं होगा, चीन में सबसे ज्यादा गधे पाए जाते हैं, क्यों सुनिए मेरी बात, अगर हम बात करें विश्व में सबसे ज्यादा गधे जो है चीन में पाए जाते हैं, गधों की संख्या के हिसाब से दुनिया में पहले नंबर पे है चीन भैया, लेकिन आपका दिल में हम दर्द नहीं रखेंगे, वो भी पूरी करने जा रहे, सुन लीजिएगा, दूसरे नंबर पर पाकिस्तान है, पहले पर भी आ सकता है पता नहीं है, और तीसरे पर क्या है भैया, इथोपिया आता है। गधा ये क्या है, अश्व परिवार का एक पशु, अश्व मतलब क्या भैया, घोड़े के परिवार का एक पशु है, गधा घोड़े की प्रजाति के उपजाति है, इसका नाम क्या है, एसिनिस वर्ग का पशु है, क्योंकि कहते नहीं कि धोबी का गधा न घर का न घाट का, चाइनस मार भैया, एकदम लोन पे लोन, लोन पे लोन भैया लिए पड़े रहे, और आखिरी में जाक भैया देखो वहां पर अमेरिका ठांस दिया जा करके, है ना। खैर अब आप ये बताइए इसमें क्या आंसर आएगा, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है, सामान्य नमक, समुद्र या स्टार्च या ग्लूकोज, जल्दी बताओ, आपने देखा होगा कहते नहीं शीशा हो या दिल हो टूट जाता है, ठीक है, तो जब आंसू आते, अब भैया आपको वो भी बताने जा रहे हैं, आंसू देख करके आप पहचान जाओगे बंदा कैसा आंसू रो रहा है,
अभी वो भी बताने जा रहे हैं, परेशान ना होना। खगेश अच्छा भैया बहुत बढ़िया, कृष्णा वेरी गुड, कोई बताएंगे अच्छे गजब भैया, प्रणाम कृष्णा प्रणाम। यार एक बार सभी लोग टैग करके शेयर कर दो, लाइक कर दो प्लीज, एक बार सभी लोग लाइक और शेयर करो यार, गलत बात है भाई ये। अब आपको बता दे आंसू यानी जो टीयर्स होते हैं उसमें कौन सा नमक घुला रहता है, सामान्य नमक। अब ये ना काम करना भैया, पहले कोई रो ले जा करके और रोने के बाद तुम एक काम करो वहां पर इकट्ठा कर लो, जला वाला नमक अलग कर लो, उसको जाके दाल वाल में डालो, खीरे के साथ बढ़िया खाओ। अरे पगला ना कर देना, बवाल हो जाएगा वहां पर। सुनिए मेरी बात, आंसुओं की बात सुन लीजिएगा। जब हम पैदा होते हैं तब हमारा रोना क्या कहलाता है, अम्बिलाइकल कॉर्ड यानी गर्भ में पल रहे बच्चे और मां के बीच की नाभि की तरह है। ध्यान रखिएगा, जब हम पैदा होते हैं, आपको एक बात और बता दें, जब पद्दा पैदा होता भैया रोता है ना, आंसू नहीं निकलता है। क्यों नहीं निकलता है? सुनिए पहले आप बताएं, आपको एक बात और बता दें क्यों नहीं निकलता है, क्योंकि पहले से उसमें हमारे बॉडी में कमी रहती है। लेकिन कहा यह जाता है, सर्वे बताता है कि 85% औरतें और 73% आदमियों ने पाया है कि रोने के बाद उनका दिल क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है। देखा होगा जब लड़कियां विदा होती हैं जाकर के हमारे पास में, जैसे लड़कियां विदा होती है भैया घर वर जाती है, मार एकदम रोया करती है, देखा नहीं देखा, अरे मोरी मैया कहां जा रहे हो भैया, अरे दादा, रोती नहीं रोती, उनको रोने से उनका दिल क्या होता है भैया, हल्का हो जाता है। हम यहां पर गलत नहीं कहना चाह रहे हैं, एक नॉर्मल सी बात कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा एक बात बता दें आपको, हमारे पास में एक और सुन लीजिएगा आलोक भैया, इसके बारे में और सुनो, आंसू कितने प्रकार के होते हैं वो सुनिएगा। एक होता है बेसल टीयर्स, एक होता है रिफ्लेक्स टीयर्स और एक होता है इमोशनल टीयर्स। अभी आपको दिखा रहे हैं देवदास में जब बंदी रोई थी तो कौन से आंसू थे, वो भी समझ लीजिएगा। अब आपको बता दें, अगर आज के सामने आपके सामने कोई रो दे, कहते नहीं मगरमच्छ वाले आंसू, कोई रो दे तो समझ जाओगे बंदा दिल से रो रहा है, कैसे रो रहा है, पूछो क्यों, क्योंकि आपको बता दें आंसू तीन तरीके के होते हैं। एक आंसू की निकाल एक साफ तरल का पदार्थ निकालती है जिसको कहा जाता है बेसल टीयर्स। और रिफ्लेक्स टीयर क्या होता है, जब एक कोई छोटी चीज या कण हमारी आंखों में पड़ जाता है तो वो क्या होता है, रिफ्लेक्स टीयर होता है। आपने देखा होगा धूल मिट्टी कण से जब आंसू निकले तो उसको क्या कहा जाता है भैया, उसको कहा जाता है रिफ्लेक्स टीयर। लेकिन आपको बता दें इमोशनल टीयर्स कौन से होते हैं, इस तरह के आंसू सिर्फ इंसानों को आते हैं। ये देखिए, ये अगर बात करें, ये जो आंसू है कभी जानवरों को नहीं आता है, केवल इंसानों को आता है। अच्छा ये बता दीजिएगा, इस तरह के आंसू केवल इंसानों को आते हैं जब वे जज्बाती हो जाते हैं। इन आंसुओं में एकाएक निकलने वाले आंसुओं के मुकाबले 24% क्या होता है भैया, ज्यादा प्रोटीन होता है। सोचो आंसुओं में प्रोटीन होता है, तो रो के निकाल देते हो जाकर के, है ना। लेकिन आपको एक बात बता दें, अच्छा एक बात बताइएगा, अगर मान लीजिए ये बंदी है, अब ये रो रही है, इनके कौन से आंसू हैं, समझ जाओ अभी पढ़ा करके तुरंत आ रहे पीछे, इनके कौन से आंसू हैं जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ भैया, इनके आंसू कौन से हैं जल्दी जल्दी कमेंट करो, ये बेसल टीयर्स हैं या रिफ्लेक्स टीयर्स हैं या इमोशनल टीयर्स हैं, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ कौन से आंसू हैं भैया, जल्दी बताओ। अरे लव के नहीं है पगला, तुम तो यार एकदम मतलब ऐसा तैसी कर दे रहे हो भैया जीएस की। अरे भैया इमोशनल टीयर्स है, मनुष्यों में आ रहे हैं, इमोशन में हमारे पास चली गई है ना भैया, इमोशनल टीयर्स हमारे पास में आ जाएगा। खैर अब मैं आ जाओ, तेज गति से आता हुआ हॉर्न, जब वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच क्या होगा, जल्दी कॉमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अच्छा जल्दी जल्दी बताओ, इसमें कमेंट करके बताओ, जब कोई गाड़ी तेज आ रही होगी और इससे मानो सपोज करो ये गाड़ी है ना, ये गाड़ी ऐसे ही और हॉर्न बजाती है, पोम ऐसे निकल गई जाकर के, तो यहां पर क्या हुआ, उतना ही सुनाई दिया या अधिक सुनाई देता है, कम सुनाई देता है, पहले कम और फिर ज्यादा हो जाता है। एक बार दिमाग लगाकर छोड़ा चलना भैया, एक बार बता दे, हाँ मगरमच्छ वाला आंसू, एक बार बताओ, सपोज करो एक गाड़ी आ रही है, सपोज करो आप गाड़ी चला रहे हो और आप पीछे से हॉर्न बजा, तो अब ध्यान दीजिएगा, जब पीछे से पिच करते हुए आगे चला गया तो पहले कम और फिर ज्यादा, ये तो हमारे पास में नहीं हुआ, क्योंकि आखिरी पोप तेज हमारे पास में हुआ ना, यानी क्या अधिक सुनाई दे रहा है हॉर्न, क्योंकि पीछे से आ रहा है तभी तेज सुनाई दे रहा है, तो यानी तेज ही हमारे पास में होगा, ना कम होगा ना ज्यादा होगा, है ना भैया। चलिए अगले वाले पे आ जाओ, नेक्स्ट वाली बात पे, डैश का उपयोग रासायनिक उपकरण जैसे बीकर फ्लास्क आदि बनाने के लिए किया जाता है, जल्दी जल्दी बताओ भैया, इसका प्रयोग किसके हमारे पास बनाने में किया जाता है, जल्दी कमेंट करके बताओ, जल्दी जल्दी बताओ भाई, जल्दी जल्दी बताओ। अब मेरी बात सुनिएगा, एक बात बता दें आपको, क्या कह रहा है, डैश का उपयोग रासायनिक उपकरण जैसे बीकर फ्लास्क आदि बनाने में काम किया जाता है, तो कौन सा है, हार्ड ग्लास।
हार्ड ग्लास का उपयोग इसी को हमारे पास बनाने में किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इट इज अ राइट आंसर। अब सुन लीजिए, पहले इसका संदर्भ हमें भारत के, यानी जो ग्लास है कांच की अगर बात करें तो कहां मिला, इतिहास सुन लीजिएगा क्योंकि आप जीएस पढ़ रहे हैं। इसका संदर्भ हमें भारत के महान महाकाव्य महाभारत में मिलता है। मध्ययुगीन काल में कांच के बने पदार्थ की कला को बहुत प्रोत्साहन मिला। मुगल शासकों ने कांच बनाने के शिल्प को संरक्षण प्रदान किया था भैया, ठीक है। चलिए अब आपको बता दें कांच होते कितने प्रकार के हैं। पहले तो हमारे पास एक होता है क्रिस्टलीन, उसके बाद में हमारे पास पॉलीक्रिस्टलीन, और उसके बाद में हमारे पास एम्फ्रोमॉस। ये देखिए, ये जो हमारे पास में अलग अलग तरीके हैं, जो हमारे पास में देखो वहां पर गैप है वो हमारे पास एम्प्रो आ जाएगा। पॉलीक्रिस्टलीन हमारे पास में क्या, जो हमारे पास गैप इसमें भी है लेकिन कम है, और जो आपस में ज्यादा जुड़े रहे उसको क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन ग्लास कहते हैं। ओके, चलिए अब इस वाले प्रश्न का उत्तर बता दीजिएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी कॉमेंट करके बताओ भाई, जल्दी जल्दी कॉमेंट करके बताओ। अरे बवाल कर दो यार, बताओ भैया। राष्ट्रपति भवन के बारे में बात हो रही है, राष्ट्रपति भवन के बारे में बात हो रही है कि राष्ट्रपति भवन कब बनाया गया था। पहला है 1852, अगला है 1910, अगला है 1947 या 1986, कोई इसका आंसर बताएंगे, जल्दी जल्दी बताओ। दीपक भैया, राष्ट्रपति भवन के बारे में बात हो रही है। विमल बताओ भाई, सूरज भैया, सूरज, सुरेंद्र जी, राष्ट्रपति भवन के बारे में बात हो रही है, ठीक है। नहीं नहीं विमल भैया, नहीं 1937 नहीं होगा, 1910 में आ जाएगा। राष्ट्रपति भवन कब बना, 1910 में बना, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब मन में आ रहा होगा राष्ट्रपति भवन बनाया किसने या कैसे बना, तो आपको बताएं भारत के राष्ट्रपति का राजकीय निवास कहां है, रायसीना की पहाड़ी पर स्थित है, ध्यान रखिएगा। अगर पेपर में आ जाए जो राष्ट्रपति भवन बना है वो कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है, रायसीना पहाड़ी पर बना हुआ है। रायसीना पहाड़ी किसका पार्ट है, अभी हमने आपको बताया था दिल्ली से होकर के राजस्थान होकर के जाती अरावली पहाड़ी, याद है कि नहीं आया, उसी का ये पार्ट है। अब आपको बता दें राष्ट्रपति भवन दिल्ली के पश्चिमी छोर पर बना हुआ है, ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रपति भवन, अगर पेपर में आ जाए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रपति भवन किसका, कौन से देश का है, देन आप क्या टिक करेंगे, भारत का। अगर पेपर में आ जाए दुनिया का सबसे बड़ा सरकारी निवास किस कहां का है, तो ये कहां का है, भारत, यानी कि राष्ट्रपति भवन। भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल के रहने के लिए निर्मित किया गया था, वहीं विशाल संरचना के निर्माण की जिम्मेदारी किसे दी गई थी, ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लैंडसियर लुटियंस को दिया गया था। किसको हमारे पास में, ब्रिटिश वास्तुकार सर एडविन लैंडसियर लुटियंस को दिया गया था। पेपर में पूछा गया प्रश्न है, अरावली भारत के पश्चिम भाग राजस्थान में स्थित एक पर्वतमाला है जिसे राजस्थान में अडावला पर्वत के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। पेपर में पूछा गया प्रश्न है, ये बता दीजिएगा ये जो राष्ट्रपति भवन बना हुआ है ये अरावली की कौन से हमारे पास पार्ट में है, तो ये बोलेंगे क्या, रायसीना पहाड़ी पर बना है। अगर पेपर में आ जाए अरावली पर्वत को राजस्थान में क्या कहा गया है, अडावला पर्वत के नाम से जाना जाता है, हाँ या ना। और आपको बता दें ये जो है सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है भैया, जो गोडावना लैंड का अस्तित्व है, अरावली पर्वतमाला के आसपास सदियों से भील जनजाति निवास करती है। अगर पेपर में आ जाए अरावली जो पर्वत है उसके अगल बगल कौन सी जनजाति निवास करती है, भील जनजाति निवास करती है। ओके, चलिए अगला हमारे पास सुन लीजिएगा, अब उसको और बता दे, अरावली की बात सुन लीजिए, अरावली की विशेषता के बारे में पेपर में आ सकता है। अरावली प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है, नंबर एक। अरावली पर्वतमाला को महान भारतीय जल विभाजक रेखा कहा जाता है। अगर पेपर में आ जाए ये बताइए महान भारतीय जल विभाजक रेखा निम्न में से कौन सा पर्वत है, तो क्या बोलेंगे, अरावली पर्वत है, पेपर में पूछ ले तो। अगला, आग्नेय प्राथमिक या ग्रेनाइट चट्टाने अरावली में पाई जाती हैं। ओके भैया, चलिए और सुन लीजिएगा, अरावली की अन्य उच्च चोटियां हमने कुछ लिखी हैं, बाकी नहीं लिखी, उसको भी हम शॉर्टकट में बता देते हैं। पहला गुरुशिखर, उसके बाद शेर, उसके बाद हमारे पास दिलवाड़ा, उसके बाद जरगा, उसके बाद अचलगढ़, और उसके बाद में आबू पर्वत। अभी हम लास्ट में जाकर के इसका आपको एक बता देंगे हमारे पास में शॉर्टकट भी। ओके, साल 1911 में अंग्रेजों ने जब अपनी राजधानी कोलकाता से स्थानित करके दिल्ली में स्थापित किया था तभी हमारे पास ये बनाया गया। ठीक है, चलिए अगले वाले में आ जाइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। भैया मजा आ रहा है, अब अभी लास्ट में आपको इसका शॉर्टकट बता देंगे, याद रखना बस। ठीक है भैया, याद रखना। ओके, याद रखना बस। खैर, संथारा डे समुदाय का एक धार्मिक अनुष्ठान है, किसका,
संथारा किस समुदाय का एक धार्मिक अनुष्ठान है? लल्लन टॉप चल रहा है भैया, बहुत बढ़िया। देखिए अगर हम संथारा के बारे में बात करें तो संथारा किसकी बात कर रहा है? जैनिज्म के बारे में बात करेगा। संथारा जो है जैन समुदाय का एक धार्मिक अनुष्ठान है, ठीक है। जैन के बारे में सुन लीजिएगा, इसका उदय वैदिक काल में ही हो गया था। जैनों के धर्म गुरु को तीर्थकर कहा गया है, अगर पेपर में पूछा गया प्रश्न है वैसे। जैनों के धर्म गुरु को क्या कहा गया भैया? तीर्थकर कहा गया है। कुल हमारे पास कितने तीर्थकर हुए जैनिज्म में? 24 तीर्थकर हुए हैं। ऋग्वेदेव पहले तीर्थकर थे। अगर पूछा जाए बताएं जैनिज्म के पहले तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव जी थे। कौन थे? ऋषभदेव जी थे, ओके। इनका उल्लेख ऋग्वेद में भी है। 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ। पहले और थर्ड के बारे में ज्यादा पूछा जाता है, ओके। चलिए और सुन लीजिएगा, 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी थे, को निगंटनाट पुत्र कहा गया है। अगर पेपर में आ जाए ये बताएं जैनिज्म के जो हमारे पास में 24वें तीर्थकर हैं उनका नाम क्या है? महावीर स्वामी है, उनको क्या कहा गया है? निगंटनाट पुत्र कहा गया है, ओके भैया। चलिए और सुन लीजिएगा, महावीर स्वामी जैनों के 24वें अंतिम तीर्थकर थे। पेपर में पूछा गया प्रश्न है जैनों या जो जैनिज्म है, जो जैन है उनके अंतिम तीर्थकर कौन है? महावीर स्वामी है। ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। संस्थापक किसे माना गया है? महावीर स्वामी को माना गया है, ओके। और इनके बारे में कुछ हमारे पास है, इनको भी आप एक बार देख लीजिएगा। खैर, निम्नलिखित में से किसके कारण वस्तु की मांग में वृद्धि होगी? बताओ भैया, निम्न में से किसके कारण वस्तु की मांग में वृद्धि होगी? सुरेंद्र भैया, सूरज, जल्दी जल्दी बताओ। अच्छा हम देख रहे हैं यार, जब हलवा हलवा क्वेश्चन होता है ना तो ज्यादा लोग पढ़ाई ध्यान देते हैं, लेकिन जब बढ़िया थोड़ा सा मामला एकदम मसालेदार आ जाएगा तो लोग ध्यान देना बंद कर देते हैं, है ना। अभी भैया परेशान ना हो, वो भी मिलेगा यार, काहे परेशान हो रहे हो। निम्नलिखित में से किसके कारण वस्तु की मांग में वृद्धि होगी, यानी डिमांड ज्यादा हो जाएगी? सुनिए पहले, आय में वृद्धि यदि वस्तु घटिया वस्तु है कभी नहीं होगी वृद्धि। माल की कीमत में कमी हो सकता है, यदि वस्तु सामान्य वस्तु है तो आय में कमी होगी नहीं कह सकते। इसके स्थापन्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, ये बात हमारे पास में फैक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या आएगा? 4 हमारे पास में राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि भैया विपिन, हाँ है ना भैया, हाँ ये देखो सूरज ने यार गुरु सही आंसर दिया है। गजब सूरज भाई, वाह बहुत बढ़िया सूरज, बहुत बढ़िया सोनम मैम, गजब। आप सुन लीजिएगा, आप जन्माष्टमी का बहुत ताबड़तोड़ ऑफर चल रहा है, अगर आपको लेना हो तो ले लीजिएगा, आपको 33% एक्स्ट्रा मिल जाएगा मात्र 499 में, केवल यूपीपीएससी का एग्जाम की आपको कोचिंग मिल जाएगी, ओके। सुनिएगा, कार्सिनोजेनिक रासायन कारण ये किसका है? हृदय रोग है, मधुमेह है, कर्क है या अस्थमा है? बताइए भैया इसका आंसर क्या आ जाएगा, जल्दी कॉमेंट करके बताओ। कार्सिनोजेनिक रासायन कारण किसका है? हृदय का है, मधुमेह का है, कर्क का है या अस्थमा का है? कर्क मतलब क्या? कैंसर। अच्छा आप भी है खगेश, देखा भैया, देखा है भैया, यार एक बार आप लोग भैया एक बार शेयर कर दो, मजा आ जाए, एक बार शेयर कर दो लोगों को, जो सो रहे हैं उनको एक बार जगा दो भैया। कार्सिनोजेनिक रासायन कारण किसका है भैया? कैंसर का है। ये देखिए यही दिखाई दे रहा है, ये हमारे पास कार्सिनोजिक, ये कैंसर का कारण बन जाता है भैया, ओके। चलिए और सुन लीजिएगा, सुन लीजिए पहले, अगर पेपर में आ जाए वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है। अगर पेपर में आ जाए बताएं वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है, ओके। और सुन लीजिए हमारी बात पे, इधर एक और बात सुन लीजिएगा, अगर हमारे पास पेपर में आए क्या कैंसर रोगों का एक समूह है जिसमें क्या कह रहा है, असामान्य कोशिका वृद्धि होती है जिसमें शरीर के अन्य भागों में आक्रमण करने या फैलने की क्षमता ज्यादा हो जाती है। खैर, लोकपाल या लोकपाल के समकक्ष नियुक्त करने वाला पहला देश कौन सा है? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आ गया, भारतीय संविधान को लेकर के आ गया भैया, भारतीय संविधान को लेकर के पहला क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, भारतीय संविधान को लेकर के पहला क्वेश्चन आ चुका है। कृष्णा बताओ भैया इसका आंसर क्या है जाएगा, बताइए भैया जाको आंसर क्या है जाएगा कृष्णा। अरे कह रहा लोकपाल या लोकपाल के समकक्ष नियुक्त करने वाला पहला देश कौन सा है? ब्राजील है, बर्मा है, स्वीडन है या भारत है? तो आपको बता दिया जाए, कुछ लोग यहां पर देखो सोनकर साहब भी भैया आए हैं। सोनकर बेटा अभी तुम कहां थे, रीजनिंग वाले में है, याद हमें सब रहता तुम सबको, ठीक है सर, एक दिन रिवीजन करा दें आप जरूर भैया विपिन, संडे और शनिवार को रिवीजन का ही रखेंगे। यहां पर क्या आएगा भैया? स्वीडन आ जाएगा। स्वीडन जो है वो लोकपाल या लोकपाल के समकक्ष नियुक्त करने वाला
पहला देश कौन सा है? स्वीडन है। पहला देश कौन सा है भैया? स्वीडन है। ब्राजील नहीं होगा बच्चे, ब्राजील गलत आंसर है। ओके, भारत के सबसे पुराने पर्वत कौन से हैं? पश्चिमी घाट, सतपुरा रेंज, अरावली या पूर्वी घाट। इसके बारे में तुरंत अभी आप पढ़ करके आए हैं, इसके बारे में तुरंत अभी आप पढ़ करके आए हैं, जल्दी जल्दी बता दीजिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी बताओ भैया इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी कॉमेंट करके बताओ, जल्दी बताओ भैया। सूरज, कृष्णा, हे कृष्णा, सतपुड़ा, रे दादर दादा, ये चाहते कहाँ है भैया? ये का चाहते हैं, दिल चाहते हैं, जा चाहते हैं, का चाहते हैं? एक बार बता दें आपको, भारत के सबसे पुराने पर्वत, सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? अरावली है। कौन सा पर्वत है? अरावली। अरावली पर्वत की कौन सी श्रृंखला राष्ट्रपति भवन पे, राष्ट्रपति भवन उस पर बना हुआ है? बताओ, अभी पढ़ा करके आए हैं, ठीक है? अच्छा, पार्क कहते हैं, चलो भाई ठीक है भाई, वो भी जरूरी है भाई, बच्ची है वो, है ना? ये अभी हम पढ़ा करके आए हैं। अरावली जो है, अरावली की अगर हम बात करें, अरावली जो पर्वत आप अभी पढ़ा है, ठीक है, इस पे हमारे पास जो आप कह सकते हैं, अब आपको फिर अभी बता दें, रायसीना पहाड़ी, राय क्या है? रायसीना पहाड़ी, लोग भूल गए, देखो कमेंट करना भैया, भूल गए। रायसीना, रायसीना ये पहाड़ी, ये किसका हमारे पास में अंग है भैया? ये जो है अरावली का अंग है। इसी अरावली को राजस्थान में क्या कहा गया है बताइएगा? इसी अरावली पर्वत को राजस्थान में क्या कहा गया? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। इसी अरावली को, संतोष भैया, राजस्थान में क्या कहा गया है? इसी अरावली को राजस्थान में क्या कहा गया, जल्दी जल्दी बताओ। अडावला पर्वत, क्या कहा गया है? अडावला पर्वत, अडावला पर्वत। अभी तुरंत पढ़ा करके आए हैं भैया, ऐसे भूलोगे यार? यार इतनी जी, मतलब ये सोच रहे हैं कि क्वेश्चन से जो क्वेश्चन बन रहा हो वो आपके लिए क्लियर हो जाए, एग्जाम में आपके बात दिक्कत ना आए, ऐसा ना करो भाई यार, ऐसा ना करो यार। देखो, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश ब्राजील है, चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, भारत है, और इस देश के बारे में अभी आप तुरंत पढ़ करके आए हैं, इस देश के बारे में अभी आप तुरंत पढ़ करके भी आए हैं। बताइए इस देश का नाम क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, इस देश का नाम क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी बताओ भैया, इस देश का क्या नाम है? सुनिए मेरी बात, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है भैया? चीन है। चीन है चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश। और सबसे ज्यादा गधे कहां पाए जाते हैं? अभी पढ़ करके आए हैं, सबसे ज्यादा गधे विश्व में कहां पर पाए जाते हैं? नंबर एक पर गधों की संख्या कहां है? नंबर दो पर सबसे ज्यादा गधे कहां पाए जाते हैं? अभी आप पढ़ करके आए हैं, बहुत बढ़िया। देखो, सबसे ज्यादा गधे कहां पाए जाते हैं? चीन में पाए जाते हैं, जो बोलते नहीं चीन चौंग मू शो शो ऐसे करके नहीं बोलते हैं, यहीं पर पाए जाते हैं। सेकेंड नंबर पर सबसे ज्यादा गधे कहां पाए जाते हैं भैया? अभी पढ़ करके आ रहे हो, ठीक है कृष्णा, अभी पढ़ करके आए हो, अभी पढ़ करके आए हो। सेकेंड नंबर पे सबसे ज्यादा गधे कहां पाए जाते हैं? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ भैया। कृष्णा, दूसरे नंबर पे कौन सी कंट्री है? जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? हाँ, दूसरे नंबर पे कौन है भैया? पाकिस्तान है। दूसरे नंबर पे कौन है भैया? पाकिस्तान है, ठीक है। चलिए अब बताइएगा, जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? गुरु रामदास ने, शाहजहां ने, राव जोधावी ने या महात्मा गांधी ने? देखिए, यहां पर दो ऑप्शंस तो अपने आप गलत हो जाएंगे, ठीक है, दो ऑप्शंस तो अपने आप गलत हो जाएंगे, दो ऑप्शंस भैया अपने आप गलत हो जाएंगे। देखो, पहले बात तो गुरु रामदास और उसके बाद में महात्मा गांधी, राव जोधावी भी नहीं आएंगे। देखो, जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? शाहजहां ने कराया। यही शाहजहां तो है, इसकी पत्नी की जो मृत्यु हुई थी, पत्नी इसकी भैया कौन सी है? मुमताज है। कौन सी है? मुमताज है। मुमताज की बॉडी में किसकी कमी हो गई थी जिसकी उसकी वाइफ की मृत्यु हो गई? हमने साइंस में आपको बताया था भैया, जल्दी जल्दी बताओ। सोनम जी, सूरज जी, दीपक भैया, संतोष, विमल, कृष्णा, रचना, क्या नाम है, प्रिया, जल्दी बताओ। ये जो, नहीं बच्चे मेरी बात तो सुनो, मुमताज की बॉडी में, मुमताज की बॉडी में 13वें या 14वें बच्चे को जन्म देते समय इसकी मृत्यु हो गई थी। हम आपसे ये पूछ रहे हैं, इसकी बॉडी में किसकी कमी हो गई थी जिससे इसकी मृत्यु हो गई थी, जल्दी बताओ। नहीं बच्चे, ब्लड की तो कमी हुई, लेकिन किसकी? रिलैक्सिन की, पढ़ाया था ना, रिलैक्सिन की कमी के कारण जो है मुमताज भैया गुजर गई थी। और इसी मुमताज की याद में शाहजहां ने क्या बनवाया था? कहता नहीं है, मैं मुमताज हूं तेरे ख्वाबों का, तू मेरा शाहजहां। गाना सुने नहीं सुने हो? हाँ या ना भैया? दो ताजमहल बनाए, टेल मी एवरीवन, दो ताजमहल कौन बनाया, प्लीज टेल मी। लियो भैया, ताजमहल आ गया, सुनो मेरी बात, यही आ जाएगा क्या? ताजमहल आ जाएगा।
ताजमहल के पहले एक शहर है, उसका नाम क्या है भैया? उसका नाम क्या है? जल्दी कमेंट करके बताइएगा। हम आपको हिंट दे दे रहे हैं, उसको जो है सुहाग नगरी के नाम से जाना गया है। क्या? सुहाग नगरी के नाम से जाना गया है। बताइए कौन सा शहर है, कमेंट करके बताइएगा, सुहाग नगरी के से जाना जाने वाला। बताओ सुहाग नगरी के नाम से कौन जाना गया? नहीं भैया, सुहाग नगरी की बात कर रहे हैं, फिरोजाबाद आ जाएगा भैया। क्या जाएगा? फिरोजाबाद आ जाएगा। ओके चलो, है ना। अच्छा अब मेरी बात सुनिएगा, मेरी बात सुनिए। जामा मस्जिद ये कहां पर है? दिल्ली में। ये कॉमन्स पर निर्वाचित चित्र है, ये जो देख रहे हैं। जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित एक मस्जिद है। इसका निर्माण कब हुआ? 1656 में हुआ। और उसके बाद यह मस्जिद लाल पत्थरों और संगमरमर का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? लाल पत्थर और किसका? संगमरमर का बना हुआ मस्जिद है भैया। ओके चलिए, हल्दीघाटी की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ, हल्दीघाटी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? कोई बताएंगे इसका आंसर? जल्दी बताओ भैया। देखो पहली बात तो सभी लोग कमेंट करो, जितने लोग हैं सभी के सभी अगर कमेंट करेंगे तब पढ़ाई में मजा आएगा। हल्दीघाटी की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई? जल्दी। अरे गजब यार, दीपक ने बवाल कर दिया भैया। 1576 यहां पर राइट आंसर आएगा। हल्दीघाटी की लड़ाई कब लड़ी गई? 1576। थोड़ा सा हल्दीघाटी पे प्रकाश डालिएगा। हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ? 18 जून 1576 को हुआ। हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ? 18 जून 1576 को। कब? खमगोर एवं बलीचा गांव के मध्य तंग पहाड़ी दर्रे से आरंभ होकर खमनोर गांव के किनारे बनास नदी के सहारे मोलेला तक कुछ घंटों तक चला। अब देखिए पूरा यहां पर पूरा आपके पास बताया गया है हल्दीघाटी के बारे में। थोड़ा सा अगर हल्दीघाटी के बारे में बात आ रही है तो हमारे जाबाज जो है महाराणा प्रताप जी को हम कैसे भैया भूल जाए? 9 मई 1540 में महाराणा प्रताप जी का जन्म हुआ। 1568 से 1957 ईस्वी तक महाराणा प्रताप ने शासन किया। उसके बाद में 18 जून 1576 हल्दीघाटी युद्ध हुआ। 4 घंटे तक सेनाओं के बीच युद्ध चला। 3000 घुड़सवार और भील तीरंदाज थे महाराणा की सेना में, और 10000 घुड़सवार भैया हाथी और तोपखाना था मुगल सेना के पास। तब भी हमारे जाबाज महाराणा प्रताप भैया लड़ रहे थे, सोच लीजिएगा। ओके हल्दीघाटी के बाद भीलों की सेना बनाकर प्रताप ने दोबारा शासन स्थापित किया था। अगर पेपर में आ जाए कि ये बता दीजिएगा दोबारा जो है महाराणा प्रताप ने किसकी सहायता से अपना शासन स्थापित किया, तो ध्यान रखिएगा भीलों की सहायता से अपना शासन स्थापित किया था। खैर अगले पे आ जाए। भारत रत्न पाने वाली पहली भारतीय महिला, अब इनका चेहरा देख करके आप समझ गए होंगे ये कौन है। ओके भैया जल्दी जल्दी बताओ। ले भैया गूगल पे पूछ रहे हैं। हाँ इनके घोड़े का नाम क्या था? चेतक। सुना है ना, महाराणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। हैं सुना है? नहीं सुना है भैया? सुना है कि नहीं सुना है? हाँ अब मेरी बात सुनिएगा। देखिए एक बार बता दीजिएगा, भारत रत्न पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? इंदिरा गांधी थी। अच्छा ये बता दीजिएगा, इंदिरा गांधी को कौन गुंगी गुड़िया के नाम से पुकारता था? गुंगी गुड़िया के नाम से इंदिरा गांधी जी को कौन पुकारता था? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। परसों या नरसों वाली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है भैया, परसों या नरसों वाली क्लास में बच्चे हम लोगों ने पढ़ा है कि इंदिरा गांधी जी को गुंगी गुड़िया के नाम से कौन पुकारता था? जल्दी जल्दी बताओ भैया। नेहरू जी, गलत बात है, नेहरू जी नहीं पुकारते थे। उमा जी नमस्कार मैम। मोनी कह रही है नेहरू गलत बात है। रविन्द्रनाथ टैगोर, और सोचो एक बार और सोचो, आई थिंक रविन्द्रनाथ टैगोर भी नहीं है। सुन लीजिएगा इनके बारे में बनने वाले क्वेश्चन, इनका नाम पूरा क्या है? इंदिरा प्रियदर्शिनी गांधी। उसके बाद में इंदिरा गांधी का मूल नाम क्या है? इंदिरा प्रियदर्शिनी नेहरू। इंदिरा गांधी का जन्म कब हुआ? 19 नवंबर 1970। इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई? देखो ये क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन नहीं, हमने बस आपके दिमाग के लिए लाया है। खैर इंदिरा गांधी के स्मारक का क्या नाम है? पेपर में आता है शक्ति स्थल। कहां पर हमारे पास यह शक्ति का स्थान कहां पर है बताइएगा कमेंट करके। इंदिरा गांधी को भारत के तीसरे प्रधानमंत्री के रूप में कब चुना गया था? 24 जनवरी 1966। और यही भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री भैया बनी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? यही बनी। सर अभी तो आपने कहा है कौन सा भैया? रुकेश कौन सा भैया? नहीं समझ पाए। प्रीति मैम नमस्कार, है ना, है ना। अच्छा मेरी बात सुनो। अगला, इंदिरा गांधी को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए कब चुना गया? 14 जनवरी 1980 में। इंदिरा गांधी 1968 में किस क्रांति की स्थापना की? हरित क्रांति की। यही जो ग्रीन रिजोल्यूशन है, सुन लीजिए मेरी बात, यही जो ग्रीन रिजोल्यूशन है इसी में दो अनाज आए थे। अनाज याद आया? अभी हमने आपको शुरुआत में ग्रीन रिजोल्यूशन के बारे में भैया बताया था।
ये बता दीजिएगा, जब ये ग्रीन रेजोल्यूशन था तो अमेरिका जो है भैया, अमेरिका जो है भारत को, इंडिया को किस संधि के अंतर्गत अनाज देता था? शुरुआत में अभी हम लोगों ने पढ़ा है भैया, अमेरिका जो है इंडिया को किस संधि के अंतर्गत अनाज देता था? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ, अमेरिका क्यों अनाज देगा? मतलब ही है वो तो, कौन सा है? PL 480 यानी पब्लिक लॉ 480। यहां पर जो गेहूं था जो आया उसका नाम था लर्मा रोजा, जो कि मेक्सिको से आया। चावल कहां से आया? फिलीपींस से आया, यानी इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके भैया, और सुन लीजिएगा, इंदिरा गांधी की उपलब्धियां क्या क्या है सुन लीजिएगा। भारत रत्न इनको कब मिला? 19 हमारे पास 1912 है। लेनिन शांति पुरस्कार कब मिला? ये है। उसके बाद में हमारे पास में आप आ जाइएगा नेक्स्ट वाली बात में, ये सुनिए मेरी बात, सुनो हमारी बात सुन लो। ये देखो, भारत रत्न को कब मिला? 1971 में मिला। अगले नंबर आप आ जाइएगा, शांति पुरस्कार कब मिला? 1984 में मिला। अंतरराष्ट्रीय समझ के लिए जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार कब मिला? 1984 में मिला। भारत की पहली और आज तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी है। इंदिरा गांधी के पोर्टफोलियो क्या थे सुन लीजिएगा, ये मित्र वित्त मंत्री भी थी, गृह मंत्री भी थी, विदेश मंत्री भी थी, रक्षा मंत्री भी थी और सूचना और प्रसारण मंत्री भी थी। कब कब थी पूरा आपके पास में लिखा हुआ है। खैर, जब बर्फ पानी पर तैरती है तो उसका कितना परसेंट भाग पानी के बाहर तैरता है बताइए भैया, जल्दी बताओ। अब देखो भाई, हमारा जितना हो सकता है हम आपको उतना नॉलेज दे रहे हैं, अब डिपेंड आपके ऊपर है कि आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। एक बार जल्दी जल्दी जाकर के भैया क्लास एक बार सभी लोग एक बार अगर टैग करके शेयर कर दोगे तो मजा आ जाएगा। जब बर्फ पानी पर तैरती है तो उसका भाग पानी के बाहर रहता है कितना? आए गजब, बहुत बढ़िया संतोष भैया, वेरी गुड। प्रिया बच्चे कर, बहुत बढ़िया सतीश भैया, वेरी गुड। सतीश और संतोष भाई सही है, यानी कितना होगा? 0.1 पार्ट जो है वो पानी के ऊपर होता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो बर्फ पानी में तैर रही इसका मात्र 0.1 भाग ऊपर दिखाई दे रहा है, बाकी सब नीचे की ओर हमारे पास में। ओके, खैर अगले आप आइए। कम तापमान मापने के उपकरण को क्या कहा जाता है? पहला व्यास, अगला है काइग्रोमीटर या कोमाइट्रोटोपोमीटर या साइमोमीटर, क्या कहते हैं भैया इसको? जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, कॉमेंट करके बताओ फटाफट। कम तापमान मापने के उपकरण को क्या कहा जाता है? जल्दी बताओ भैया, कोई बताएंगे? कोई बताएंगे? चार वाला? अरे नहीं 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 सतीश भैया, चार नहीं है इसका, इसका है आंसर क्रायोमीटर। जब टेम्परेचर कम होता है तो किससे मापा जाता है? क्रायोमीटर से मापा जाता है। रट लीजिए भैया, पेपर में आने के अगर चांसेस बन जाए भैया गलत ना करना, सी नहीं होगा बच्चे, सी नहीं होगा भैया, क्रायोमीटर आएगा भैया, क्रायोमीटर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर टू आएगा। ठीक है बच्चे, अगला, 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्यरत था? अगर आप चेहरा देख लेंगे तो चेहरा देख करके आप समझ जाएंगे कौन था। जल्दी जल्दी बताओ भैया, इनका आंसर आगे आएगा, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ कि ऐसा है। जब हमारे पास में आपातकाल के बारे में जब बात थी, आपातकाल कब लगा? 1975 वाला जब आपातकाल लगा उस समय भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्यरत था? राष्ट्रपति के बारे में बात आएगी। आए गजब, वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया सूरज, बहुत बढ़िया संतोष भैया, सोनकर साहब, रचना, विपिन। अच्छा एक बात यार, एक बात क्लैपिंग हो जाए अपने लिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड यार। ये चीज है जो आपको मोटिवेट करती है। क्या आएगा यहां पर? फखरुद्दीन अली महमूद जी है। ये कौन है? फखरुद्दीन अली महमूद जी है। अच्छा बताइए, जब आपातकाल लगा तत्कालीन प्रधानमंत्री का नाम बता दीजिएगा, जब आपातकाल लगा तब तत्कालीन प्रधानमंत्री का नाम बता दीजिएगा कौन था, जल्दी जल्दी बताओ। आइए क्वेश्चन नंबर 21, चेहरा देख करके आप पहचान सकते हैं। केविन ड्यूरेंट कौन सा अंतरराष्ट्रीय खेल खेलते हैं? केविन ड्यूरेंट कौन सा अंतरराष्ट्रीय खेल खेलते हैं? लंबाई देख करके आप समझ गए होंगे कौन सा खेल खेल रहे हैं, टी शर्ट के वेशभूषा देख करके आप समझ गए होंगे कौन सा खेल खेलेंगे ये, बताइए भैया जल्दी जल्दी बताओ। इंदिरा गांधी इस समय थी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा भैया शास्त्री जी थे, देखो हमारी बात सुनो, देखो एक बात सुनो, अगर हम बात करें केविन ड्यूरेंट कौन सा अंतरराष्ट्रीय खेल खेलते हैं भैया? बास्केटबॉल खेलते हैं साहब ये, क्या खेलते हैं? बास्केटबॉल। और आपको बता दें सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन है? माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन है? चेहरा देख करके आप बता सकते हैं, जल्दी जल्दी बता दीजिएगा भैया। राधे राधे, राधे राधे भैया, एकता मैम, राधे राधे।
जल्दी कमेंट करके बताओ माय ट्रुथ विद माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक कौन है, जल्दी कमेंट करके बताओ, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। इसमें क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, कौन, महात्मा गांधी आ जाएगा। हम लोग कई दिन से पढ़ रहे हैं, बताएं महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी, जल्दी बताओ महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी। और दूसरी बात, हूज कॉल्ड वन मैन बाउंड्री, वन मैन बाउंड्री किसे कहा जाता है। देखो यार ये जो क्वेश्चन ऐसे हैं जो कई बार आते हैं वही बार बार आपको दोहराते रहते हैं, ठीक है, जल्दी बताइएगा। देखिए अगर हम बात करें, हाँ बहुत बढ़िया, टैगोर साहब ने दी थी इनको महात्मा की उपाधि, और वन मैन बाउंड्री भैया किसे कहा गया, जल्दी जल्दी बताओ, वन मैन बाउंड्री बहुत बढ़िया महात्मा गांधी जी को ही कहा जाता है। ओके, चिंता रोधी दवा के रूप में किस दवा का उपयोग किया जाता है, जब मनुष्य चिंता करने लगता है तब, वारफारिन या डायजेपान, डायजेपाम या लैटानोफ्रोस्ट या हाइड्रालाजीजिन, बताए इसका आंसर क्या आ जाएगा, जल्दी जल्दी बताओ। कोई बताएंगे, हाँ दीपक, देखिए एक बात बता दें आपको, यहां पर हमारे पास में क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर टू डायजेपाम आ जाएगा। आपने देखा होगा घरों में डॉक्टर ऐसी दवा देते हैं, आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है जब आप घबराने लगते हैं, यानी जब आपको चिंता ज्यादा होने लगती है, ठीक है, या अगर आपके माइग्रेन की शिकायत ज्यादा है या कुछ भी हमारे पास चिंता ज्यादा करते हैं, तो डॉक्टर एक ही गोली देते हैं, कहें भैया एक काम करो डायजेपाम ले आना, खिला देना इनको, आराम मिल जाएगा, परेशान ना होना। खैर बताइए, ये हमारे पास में एक्वस बुरुचिली का वैज्ञानिक नाम है, किसका वैज्ञानिक नाम है, चेहरा देख करके या फोटो देख करके आप बता सकते हैं, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ ये किसका वैज्ञानिक नाम है, जल्दी कमेंट करके बता दीजिएगा। हाँ बहुत बढ़िया सतीश, जेब्रे का, यानी जो जेब्रा होता है इसका वैज्ञानिक नेम है, ठीक है, इसी का पढ़े नहीं है तुम लोग बचपन में, हम लोग पढ़े जेड फॉर जेब्रा, जेब्रे, जेब्रा माने चित्तीदार गधा, पढ़े नहीं पढ़े हो, हाँ है ना, बताओ भाई। लेकिन ये दवा सब मेडिकल पर बिना, हाँ बिना डॉक्टर के सलाह के नहीं मिलता, वरना दिक्कत नहीं हो जाएगी, पता चला वहां ज्यादा ज्यादा खा लिया वहां बवाल हो गया। खैर घुमरा डैश का लोक नृत्य है, कहां का है घुमरा, उड़ीसा का, आंध्र प्रदेश का, जम्मू और कश्मीर का या महाराष्ट्र का, जल्दी जल्दी बताओ घुमरा कहां का डांस है, घुमरा डांस देखना चाहते हो, हाँ अच्छा सतीश भैया कह रहे सर क्लास एट्थ में पढ़ा है, सतीश भैया कह रहे हैं सर क्लास एट्थ में पढ़ा है, चलिए भाई बहुत बढ़िया, घुमरा कहां का डांस है, जल्दी कमेंट करके बताओ घुमरा कहां का डांस है, जल्दी बताओ घुमरा, घुमरा कहां का डांस, बुमरा ना कर देना, हाँ बहुत बढ़िया रुकेश जी, देखिए मोनी मैम बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए अगर घुमरा डांस के बारे में बात करें तो उड़ीसा आ जाएगा, घुमरा कहां का डांस है, उड़ीसा का लोक नृत्य है। अच्छा तो घुमरा देखना चाहोगे, घुमरा डांस होता कैसे ये बताओ, बताओ एकता मैम घुमरा डांस देखना चाहोगे, घुमरा डांस होता कैसे है पहले ये बताओ, घुमरा डांस देखना चाहेंगी पिंकी मैम, घुमरा कैसे होता है जल्दी कमेंट करके बताओ। अच्छा नहीं देखना चाह रहे हो, चलो भैया एक काम करें दिखा दिया जाए आपको घुमरा डांस, घुमरा डांस आपका ये डांस है। अब ये जो है ये घुमरा डांस है जो कि कहां किया जाता है, ओडिशा में किया जाता है, ठीक है, ये कहां किया जाता है भैया, ओडिशा में किया जाता है ये डांस, ठीक है। चलिए अगले वाले पे आ जाएगा, नेक्स्ट वाली बात पे, अगली वाली बात पे, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र स्पोक व्हील है, यानी कितने व्हील हैं आपको ये बताना है, जल्दी कमेंट करके बताइएगा। और 15 अगस्त को हम लोगों ने सब ये बात पढ़ी थी, ठीक है। अच्छा अर्पिता मैम, अर्पिता कुमारी मैम, चलिए इसका आंसर दीजिएगा, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र स्पोक व्हील है, कितने अशोक कितने व्हील, यानी कितने हमारे पास में तीलियां होती हैं आपको ये बताना है, बहुत बढ़िया, कितनी तीलियां होती हैं, 24 तीलियां होती हैं। अच्छे बताइए अशोक चक्र जो है ये लिया कहां गया से, ये अशोक चक्र कहां से लिया गया है, कमेंट करके बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भैया डुओ गेम्स, ये बताइए विमल भैया अशोक चक्र कहां से लिया गया है, है? अच्छा प्रीति कह रही सर हमको लगा आप करके दिखाएंगे, लो भैया हम डांस करके दिखाए, चलिए खैर इसकी अभिकल्पना किसने की थी, ये पिंगली वकैया साहब ने किया था, और आपको बता दें इसे 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से भारत की स्वतंत्रता के कुछ ही दिन पूर्व 22 जुलाई 1947 को
आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक में अपनाया गया। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होना चाहिए? 3:2 होना चाहिए। अच्छा, यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है, अगर आप कहें तो हम पूछ ले जाकर के, ये बता दीजिएगा ये जो भारतीय संविधान सभा है, जो भारतीय संविधान सभा है इसकी जो बैठक हुई थी वो बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर में हुई थी, हाँ या ना? देखो 9, 11 और उसके बाद 13, ये तीन डेटे बहुत फेमस हैं। आप हमें ये बता दीजिएगा जब ये बैठक हुई तो जहां हमारे पास में अस्थाई अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए थे, तो ये बता दीजिएगा ये बैठक हुई कहां पर थी, ये बता दीजिए ये बैठक हुई कहां पर थी। संजू जल्दी जल्दी बताओ, भारतीय संविधान सभा में जब अस्थाई अध्यक्ष चुने गए तो ये बैठक कहां पर हुई थी, बताओ भैया संजू। हाँ, कहां हुई थी? द लाइब्रेरी ऑफ काउंसिल चैंबर, काउंसिल चैंबर के पुस्तकालय भवन में, है ना? खैर सुनिएगा, अगले पे आप आ जाओ, नेक्स्ट वाली बात पे आपको बता दें, भारत अगर हम बात करें नेक्स्ट वाली बात पे, दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है कौन? भारत। ठीक है, अगला आप बात करें, भारतीय भौगोलिक दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या की दृष्टिकोण से चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। ओके, चलिए अगले में आइएगा, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन क्या कब होता है बताएं? उत्तरी गोलार्ध के बारे में बात कर रहा है चक्रवाला, यार आप लोगों ने नहीं बताया कहां से लिया गया। हाय गजब, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सतीश, बहुत बढ़िया। चक्रवाला कोई नहीं बताया है, बैठे हाँ सारनाथ, अच्छा भैया सुन लो मेरी बात, हाँ सुनो 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 सुनो, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन कब होता है? 21 जून को होता है, लेकिन हमें क्या पता है, हमें भैया 25 दिसंबर ऐसे कुछ याद है ना, बड़ा दिन इसको कहते हो, ऐसा मत करो यार। ठीक है, हाँ अब ये सही बताइए प्रिया, अशोक स्तंभ से लिया गया, अशोक स्तंभ कहां पर है भैया ये बताओ, लोग यहां पर सारनाथ आंसर दे रहे हैं। फिर कह रहे हैं जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में आपको ये डिस्काउंट मिल रहा है यूपीपीएससी का, अगर आपको बैच लेना है तो ले सकते हैं। खैर अब आप आइएगा नेक्स्ट वाली बात पे, अगली वाली बात पे आपको बता दें, ठीक है इसका आंसर बता दीजिएगा, ये आपके पास में पूरा नॉर्दर्न हमारे पास में पार्ट है, लैंड हमारे पास में दिखा गया, वाटर दिखाया गया है। खैर इस पे आप आ जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रबल अनुयायी थे किसके, सिख धर्म के, जैन धर्म के, बौद्ध के या यहूदी के, बताएं भैया सुनील भैया। चंद्रगुप्त जो मौर्य थे वो किसके अनुयायी थे बताइए, हाँ सारनाथ में है अशोक चक्र, अब तुम लोग सही बता रहे हो यार, चंद्रगुप्त मौर्य किसके अनुयायी थे? ठीक है भैया, हैप्पी जन्माष्टमी आप लोग को भी, कल कितने लोग फास्ट हो, फास्ट हो कि स्लो हो, देखो चंद्रगुप्त मौर्य किसके किस धर्म के अनुयायी थे, बहुत बढ़िया मोनी मैम, जैन धर्म के अनुयायी थे, किसके थे? जैन धर्म के। अगला, 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई लोदी साम्राज्य और के बीच लड़ी गई, यानी 1526 में जब पानीपत, अभी पढ़ करके आयो क्वेश्चन, पानीपत की जब लड़ाई हुई तो एक तो लोदी साम्राज्य और दूसरा कौन सा था, बाबर, हुमायूं, अकबर या औरंगजेब, कोई बताएंगे इसका आंसर, जल्दी जल्दी बताओ भैया, आ जाए इसका आंसर क्या आ जाएगा, बहुत बढ़िया अगजब सर, कल क्लास होगी क्या? जरूर होगी विपिन भैया, क्लास काहे नहीं होगी, बहुत बढ़िया, इसका आंसर क्या आएगा, बाबर आएगा। देखिए जो 1526 में पानीपत की लड़ाई हुई वो किसके किसके बीच में, ये हमारे पास लोदी और बाबर के बीच में। अच्छा आप ये बता दीजिएगा जो पानीपत है, नहीं पूछेंगे यार, छोड़ दो वरना भी भूल जाओगे सब, सीलिंग फैन का आविष्कार किसने किया बताएं विपिन, बताओ भैया सीलिंग जो फैन है, सीलिंग फैन का आविष्कार किसने किया, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ, सीलिंग फैन का आविष्कार किसने किया, कोई बताएंगे? संतोष भैया बताओ भाई। देखिए अगर हम सीलिंग फैन की बात करेंगे जाकर के तो आपको बता दिया जाए, अगर हम सीलिंग फैन के बारे में बात करें, फिलिप डाईहली ने किया था। देखो घर में आपने देखा होगा पंखा, कहते नहीं ऊपर पंखा चलता है नीचे बेबी सोता है, सोते सोते भूख लगी खा लो बेटा मूंगफली, ठीक है आपको बता दें मेरी बात सुन लिए, कई सारी ऐसे उपकरण हैं जो घर ही में है लेकिन हमको नहीं पता इसका आविष्कार किसने किया, तो सीलिंग फैन का आविष्कार किसने किया था भैया संजो, फिलिप डाईहली ने किया था। ओके खैर, किए गए कार्य की दर क्या है, किए गए कार्य की दर है ऊर्जा, शक्ति, गति या आवेग, बताएं भैया, फिजिक्स का क्वेश्चन है, बताओ भैया सतीश भैया, अगर मान लिए कोई काम आप करते हैं तो उसका हमारे पास में क्या है रेट, इसका क्या होगा, ऊर्जा से आप काम करेंगे, ठीक है, और हाँ दूसरा हमारे पास इब्राहिम और लोदी, ठीक है इब्राहिम लोदी,
बताओ भैया, नहीं, ऊर्जा नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा, पावर आएगा। जब आप कोई काम जब करेंगे, जब आपके पास में पावर यानी जब शक्ति होगी तभी काम होगा, एनर्जी हमारे पास में नहीं आएगा, ऊर्जा मत लगा देना जा करके। खैर, भौतिक मात्रा यानी यंग का मापांक की इकाई क्या है, न्यूटन, एर्ग, जूल या पास्कल, जल्दी बताएं भैया। भौतिक मात्रा यंग का मापांक की इकाई क्या है, ये न्यूटन है या उसके बाद में हमारे पास एर्ग है या जूल है या पास्कल है, बताओ भैया। एर्ग नहीं आएगा सतीश, एर्ग गलत है भैया, एर्ग गलत ऑप्शन है सतीश, एर्ग नहीं होगा, एर्ग मत लगा देना, एर्ग गलत ऑप्शन है भैया, एर्ग नहीं आएगा। नहीं बेटा, न्यूटन भी नहीं आएगा, न्यूटन भी गलत ऑप्शन है। और बताओ, देखो यहां पर क्या आएगा, पास्कल आ जाएगा। भौतिक मात्रा जो है यंग का मापांक क्या है, पास्कल है बच्चे। देखो हम ये नहीं चाहते हम आपको हलवा हलवा क्वेश्चन लाए जो पेपर में ना आए, पेपर में पूरा पूरा पेपर का क्वेश्चन एक बार मैच कर लेना जाकर के यार, ठीक है ना दीपेन भैया। खैर, अगला, डैश के नेतृत्व में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की घोषणा की गई, यह बता दीजिएगा किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की घोषणा की गई, जल्दी जल्दी बताओ भैया, जल्दी जल्दी। पिंकी मैम, सोना, क्या नाम है भैया, सोमाई ठाकुर साहब बताइए। नहीं नहीं अर्पिता मैम, सही है, परेशान ना होइए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखिए, अगर हम बात करें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किसके अंतर्गत निकाली गई है, जवाहरलाल नेहरू नहीं आएंगे, नरेंद्र मोदी जी आ जाएंगे। क्या आएंगे, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी आपको सभी को पता होगा पहले कहां के मुख्यमंत्री रहे थे भैया, नरेंद्र मोदी जी पहले कहां के मुख्यमंत्री थे, जल्दी कमेंट करके बताओ, नरेंद्र मोदी जी पहले कहां के मुख्यमंत्री थे, गुजरात, सभी होगा गुजरात। गुजरात की अगर बात कर लिया जाए तो गुजरात में हमारे पास कई सारे क्वेश्चन बनेंगे। स्टैचू ऑफ यूनिटी, पहले तो हमारे पास कहां पर है, गुजरात, किस नदी के किनारे है ये बता दीजिएगा, स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे है, जल्दी बताओ, नर्मदा नदी के किनारे है, हाँ या ना, ये बता दिए भैया संजू, स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे है, जल्दी बताओ भैया सूरज, सूरज भैया स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे है, जल्दी बताइए, नर्मदा नदी के किनारे है, है ना। चलिए अगले में आप आ जाइएगा, जेंटली फ्लास द बकुला के लेखक कौन है, जेंटली फ्लास द बकुला के लेखक कौन है, अमिताभ घोष जी है, मिताली मिलन जी है, रविंदर सिंह जी है या सुधा मूर्ति है, जल्दी जल्दी बताओ भैया, जल्दी बताओ, जेंटली फॉल्स द बकुला के लेखक कौन है, जेंटली फॉल्स द बकुला के लेखक कौन है, कोई बताएंगे इसका आंसर, जेंटली फ्लॉक्स द बकुला के लेखक, कोई बताएंगे इसका आंसर। देखो यार, अगर आप यार दोस्त एक बार लाइक और शेयर करोगे ना तो हम भी मोटिवेट इसी बात से होते हैं, तो प्लीज एक बार हमें भी मोटिवेट करो यार, ऐसा ना किया करो भैया। जेंटली फ्लॉक्स द बकुला के लेखक कौन है, सुधा मूर्ति जी है, पेपर में पूछा गया प्रश्न है, पेपर में पूछा गया प्रश्न है भैया, ये वाला, ठीक है, ए नहीं होगा, अरे दादर दादा, हे भगवान, ये सब का सब भैया गलत किए पड़ा है, कहा चाहते हो भाई है? हम ये देख रहे हैं सबका सब लोग गलत किया पड़ा, क्या चाह रहे हो भाई, हमें लग रहा है आप लोग, पता है आप लोग अभी या तो ऐसे पेपर नहीं लगाए या तो दिक्कत हो रही, ईमानदारी से पहले बताओ पेपर नहीं लगाया ना ऐसे, क्यों भैया, आपने सही बोला, ठीक है, जिन्होंने सही बोला, जिन्होंने गलत बोला हम उनकी बात कर रहे हैं, ऐसे पेपर नहीं लगाए ना, गलत बात है ना, नहीं आ रहा भैया हम क्या कर रहे हैं आपसे, देखो ठीक है नहीं आ रहे गलत बात हो गई, लेकिन पता है चीजों को पहले समझो, किस किले को स्वर्ण किले के नाम से भी जाना जाता है, किस किले को स्वर्ण किले के नाम से भी जाना जाता है, जल्दी बताओ, दोनों डांटे, अरे नहीं भैया डांटे वाटो किसी को नहीं, स्वर्ण किले के नाम से कहां जाना जाता है, जल्दी कमेंट करके बताओ, यार देखो भाई आपके ऊपर पूरी पूरी क्लास है, आप जैसा भी चाहो, ठीक है, हम ये देखो, अच्छा ये बताओ कंटेंट क्या चाहते हो, एग्जाम में आने वाला कंटेंट चाहते हो या आपको वो क्वेश्चन करने हैं जो आपको आते हो, हमें ये बता दीजिएगा, आप वो क्वेश्चन करना चाहते हैं जो आपको आते हो या एग्जाम में आने वाला कंटेंट चाहते हैं। देखिए अगर हम बात करें यहां पर, किस किले को स्वर्ण किले के नाम से जाना जाता है, जैसलमेर किले को स्वर्ण किले के नाम से भी जाना जाता है भैया, शबाना आजमी को मिला सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण या भारत रत्न, शबाना आजमी, कोई बताएंगे, संजू भैया बताओ, एग्जाम में आने वाला ना यार, तो भैया देखो हम उन्हीं को कहना चाहेंगे जो आना और जाना लगाए रहते हैं,
प्लीज एक बार पहले रुक करके देखा करिए कंटेंट, आना जाना बंद कीजिए, ऐसे पता एग्जाम नहीं क्लियर होगा। ठीक है, शबाना आजमी को कौन सा पुरस्कार मिला था, ध्यान दीजिएगा, पद्म भूषण मिला था भैया, यानी कि ऑप्शन नंबर टू, शबाना आजमी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला, कौन सा, पद्म भूषण मिला। ओके, खैर अगले में आ जाओ। भारत की कौन सी झील भारत की लैनून झील के समान है, के नाम से प्रसिद्ध है, भारत की कौन सी झील भारत की लैगून झील के नाम से प्रसिद्ध है, कांजिया झील या आगरा झील या मानसरा झील या चिल्का झील, क्या आएगा इसका आंसर जल्दी जल्दी बताओ। यानी लैगून झील के नाम से कौन सी झील प्रसिद्ध है, आगरा झील तो है ही नहीं भैया, मानसर झील बन सकता है, कांजिया या चिल्का, कोई बताएंगे, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया मोनी जी, बहुत बढ़िया प्रिया, बहुत बढ़िया अजय, गजब भैया विमल, बहुत बढ़िया सोनम। देखो अगर हम बात करें लैगून झील को किस नाम से जाना जाता है, चिल्का के नाम से जाना जाता है। खैर हम्पी में स्मारकों का समूह है, किसमें, हम्पी में स्मारकों का समूह है, कहां पर है हम्पी, कर्नाटक में, एमपी में, महाराष्ट्र में या राजस्थान में, जल्दी बताइए ये हम्पी है कहां पर भैया, ये हम्पी कहां पर है, जल्दी कमेंट करके बताओ, हम्पी जो है ये कहां पर है, कर्नाटक में है, मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है या राजस्थान में है, कहां पर है हम्पी, बहुत बढ़िया कृष्णा, कहां पर है भैया ये जो हम्पी है, कहां पर है, कर्नाटक में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इट इज राइट। और हम्पी किसका एक समूह है, स्मारकों का एक समूह है। ओके खैर इस पे आप आ जाइएगा, किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार नहीं जीता, पहला एक कोर्ट, अगला तारे जमीन पर, अगला परी नहीं पर आएगा, बाहुबली द बिगनिंग या थेमस का जहाज, बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार नहीं जीता, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार नहीं जीता कह रहा है, जीतने की बात नहीं कह रहा है, नहीं जीता, अजय भैया बताइए। हाँ विमल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया डुओ गेम्स, क्या आएगा, बाहुबली द बिगनिंग, गलत है, तारे जमीन पर आ जाएगा, तारे जमीन पर जो है इसने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार नहीं जीता है, कोर्ट ने भी जीता है, बाहुबली द बिगिनिंग में जीता है और थेसिस का जहाज इसने भी जीता है। ओके खैर अगले पाले पे आ जाओ, बंबुसा डेंड्रोकल्मस किसका वैज्ञानिक नाम है, बरगद का, पपीते का, बांस का या अनार का, जल्दी बताओ, और ये हमने आपको बताया भी था एक बार, पपीता नहीं आएगा बच्चे, पपीता गलत आंसर है, बंबूसा इंग्लिश में इसको बंबू कहा जाता है, यानी क्या, बांस आ जाएगा, एक बार बताया भी था, बंबू बंबूसा, ठीक है ना, एक वो गाना नहीं सुने हो मर्द मूवी का, हम तो तंबू में बंबू लगाए बैठे, तो बंबू मतलब क्या, बंबू मतलब बांस होता है, अब बंबूसा हमारे पास में क्या हो जाएगा, बंबूसा डेंड्रोकल्मस किसका नाम भैया, वैज्ञानिक नाम बांस का है, चांगलो किसका लोक नृत्य है, चांगलो कहां का लोक नृत्य है, अरुणाचल प्रदेश का, पंजाब का, असम का या नागालैंड का, जल्दी बताओ भैया, अच्छा अगर कोई आंसर नहीं दे रहा तो ए हो जाएगा, अरे भैया ऐसा ना करो यार, सुनील अंगजो कहां का नृत्य है, ये नागालैंड का आ जाएगा, क्या आएगा, नागालैंड यहां पर आंसर आ जाएगा, क्या आएगा, नागालैंड आ जाएगा, ठीक है भैया क्लियर है, आवाज समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या हो जाएगा, नागालैंड हो जाएगा, ठीक है चलो, बांस घास नहीं होता, लियो भैया बांस को घास बना दे रहे हैं कुछ लोग। खैर रणथंभौर टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में, अरुणाचल में या उत्तराखंड में, रणथंभौर भैया, रणथंभौर हमारे पास में कहां पर है, रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बारे में बात हो रही है, रणथंभौर टाइगर रिजर्व कहां पर है, राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में, अरुणाचल में या उत्तराखंड में, कोई बताएंगे हमारे पास में, लियो भैया ए बता रहे, कुछ लोग पता है कहां बता रहे, आंध्र प्रदेश बता रहे भैया, रणथंभौर टाइगर रिजर्व कहां पर है भैया, राजस्थान में है, ठीक है, यहीं पर अरावली को क्या कहा गया, अडावला कहा गया, क्या कहा गया, अडावला कहा गया, ऐसा ना करो भाई, ऐसा ना करो भैया, खैर आप ले आ जाओ, पोर्ट ऑफ स्पेन किसकी रचना है, सऊदी अरब की, नॉर्थ कोरिया की, चेक गणराज्य की या त्रिनिदाद और टोबैगो, क्या आ जाएगा बताएं, पोर्ट ऑफ स्पेन किसकी रचना है, सही बताएं, अरे गजब, अच्छा बांस से मड़ई बनती है, बना लो भैया मड़ई बड़ई सब, ठीक है सुनिए हमारी बात में, पोर्ट ऑफ स्पेन किसकी रचना है भैया, सी नहीं होगा,
त्रिनिदाद और टोबैगो की रचना क्या है, पोर्ट ऑफ स्पेन है। ओके भैया अगले पास जाओ। चाणक्य के मुख्य सलाहकार कौन, चाणक्य के मुख्य सलाहकार थे बाबर, चंद्रगुप्त मौर्य, अकबर या कौटिल्य। चाणक्य के मुख्य सलाहकार जल्दी बताओ भैया, चाणक्य के मुख्य सलाहकार कौन जल्दी बताओ भैया। सूरज, सतीश, प्रिया, विमल, हम ये देख रहे हैं भैया लोग गलत कर रहे हैं। और ये बताओ अच्छा इनका सब क्वेश्चंस का रिवीजन चाहते हो आप लोग, अगर रिवीजन चाहते हो तो बताओ, क्योंकि मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे का जो आधा का रिवीजन शनिवार को कर दें और आधे का रिवीजन संडे को कर दें, क्या बताओ चाहते हो नहीं चाहते हो, अगर चाहते हो तो एक बार कमेंट करो। कौटिल्य आ जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य आएगा, बिटिया कहा कर रही हो भैया तुम सब पता नहीं कहा करोगे यार, चंद्रगुप्त मौर्य आएगा भैया कहा चाह रहे हो यार, कहा चाह रहे हो भाई, पहले बताओ इन सभी का रिवीजन जो है मैराथन में किया जाए, आप चाहते कि नहीं चाहते, अगर चाहते हैं तो बताएं इन सभी का जो रिवीजन है उसको एक बार किया जाए अमर। और आपको एक बात और बता दें, सुनिए मेरी बात एक बात छोटी सी और आपको बता दें, ताल ठोक करके भाई कह रहे हैं पूरे पूरे पेपर को मैच करा लीजिएगा, पूरा पूरा पेपर है ये, ठीक है पूरा पूरा होल पेपर आप अभी आप लगा रहे हैं। खैर भारत में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें किस राज्य में है, महाराष्ट्र, एमपी या यूपी या बिहार, कोई बताएंगे? भारत में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें कहां पर हैं, किस राज्य में है बताएं? हाहाकार मचा रहे, बचाने दो यार, फिर ले भैया एमपी बता रहे, अरे बेटा भारत में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें कहां पर हैं, यूपी में है, कहां पर हैं यूपी में। अब हमारी बात सुन लीजिएगा, आज का पेपर आप लोगों ने बहुत गलत किया, आज का पेपर आप लोगों ने बहुत गलत किया, मानो या ना मानो, मानते हो नहीं मानते हो, आज के क्वेश्चंस आपके बहुत गलत हुए, ठीक है प्रयास कीजिएगा कल ना हो। और सुन लीजिए आपको बता दें, अगर आपको यूपीपीएससी एग्जाम विद सुपर कोचिंग करना है तो आपको 10% ऑफ प्लस साथ में 33% एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको मिलेगी। इसके लिए आप एक काम करेंगे, जाना होगा आपको और उसके बाद में कोड आप सभी को पता है कोड क्या लगाना है और क्या नहीं लगाना है, ठीक है आप कोड सभी को पता होगा भैया, लॉ पास करके आप कोड लगा लीजिएगा या LT20 लगा लीजिए आपको मिल जाएगा। ओके अब आपको उन लोगों से मिला रहे हैं जो क्लास के बाद प्रॉपर कमेंट करते हैं चीजों को लेकर के, अपनी बात जरूर यहां पर रखते हैं, ठीक है ना विमल, तो उन लोगों से एक बार मिल लीजिएगा। पहले नंबर पे है संजू भाई साहब, अगले हैं पिंकी, अगला है रचना और उसके बाद में दीपक, ये वो बच्चे हैं जो प्रॉपर कमेंट करते हैं। तो भैया एक बात आपको बता दें, आप भी कमेंट कीजिए जिससे आप यहां पर भी हो, ठीक है कमेंट जरूर किया करो, गलत होगा देखो एक बार बताए क्लास कैसी लगी ये तो हो सकता है ना, है ना क्वेश्चन पे हमारे पास में हो सकता है, तो जरूर बताया करो आपको लेकर के, ठीक है और बहुत जल्दी हम क्लास स्कोर करेंगे, क्यों क्योंकि मंजिलें भी जिद्दी है और रास्ते भी जिद्दी है, देखते हैं कल क्या होगा क्योंकि हौसले भी तो जिद्दी हैं। तो डेली शाम को 7:30 बजे रीजनिंग और डेली शाम को 9:30 बजे जीएस की क्लास के मिलेगा, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत, गुड नाइट, आप सभी के मां बाप को प्रणाम, राधे राधे।